और सब काम कर रहे हैं। अरे हमने शराब बंदी लागू किया तो भला बताइए ना, तब महिलाओं की मांग पर ही हमने लागू किया और इतना बढ़िया चल रहा है, आ लोग कितना हो रहे हैं, आप कितने लोग, आप कुछ लोग खिलाफ हैं भाई, तो हम क्या करें। लेकिन ये पता है ना कि अब जितना लोग पीते थे उतना लोग थोड़िए पीते, बहुत लोगों को लगता है कि जरा पीते, अरे पियोगे क्या, बापू को भी भूलिए गए क्या। अगर कोई आदमी इस देश में जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू, अगर उनके बात को नहीं मानोगे तो किसी काम के हो, फिर तो देश को खत्म कर दोगे, बर्बाद कर ही दोगे। और कुछ लोगों को मौका मिल रहा तो हर चीज को बदल देंगे। अब बापू के बारे में भी चर्चा ही लोग अब कम कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में। आजादी की लड़ाई से जिसको मतलब नहीं था वो आजकल नया नया नाम दे रहे हैं। हम तो साथ में थे तब भी हम बिहार में एक बार भी हम उन सब चीजों को नहीं स्वीकार, हम कभी नहीं मानेंगे फालतू बातें। अरे आजादी की लड़ाई है तो आजादी की लड़ाई से नहीं, 75 साल में क्या क्या बोल रहे हैं। अरे आप पहले साल का बताओ ना भाई, जहां से हो आए हो वो कितना आदमी साथ में था। तो जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े और उनको मानने वाले आजकल जो हैं उनको खराब हो गया, जो आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं था वो ठीक हो जाए, ये कोई मतलब है। इसलिए राष्ट्रपिता का बात मानना, बापू का बात मानना, अब बापू को हम बराबर कहते हैं। अब बताइए शराब जो भी पीता है तो जो कुछ भी शराब पीने से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेता है, ये बापू का कहा हुआ। तो उसका पैसा ही नहीं छीनता, उसकी बुद्धि भी खत्म हो जाती है। तो ये तो हमने एक एक घर तक पहुंचा दिया है बापू का। और बापू का दूसरा बात भी है, शराब वाले इंसान हैवान हो जाते हैं शराब पीने वाले। तो एक एक बात बता रहे हैं। अब कुछ लोग अपने को बड़ा आदमी समझते हैं, पियोगे दारू, अब बापू का बात नहीं मानोगे, भाई हम लोग तो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे और एक एक चीज को मानना चाहिए। और हम लोग तो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। अब बिहार में जितना काम समाज के सब तबके के लिए किया है।